शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के समीप रचौली में बाल विकास परियोजना की ओर से कन्याओं को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी आवाज हमारा एक समान भविष्य पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने शिशु लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव जैसे कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए आम जनमानस में जागरूकता लाने की बात कही। उन्होंने कुपोषण को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य व पोषण संबंधी जानकारी के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने को कहा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए किस तरह का खान पान हो, स्थानीय उत्पादों से बने पकवानों की प्रदर्शनी लगाकर जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा चुकी कन्याओं को भी सम्मानित किया गया। श्रुति कश्यप, जिन्होंने 2019-20 में कला संकाय में जमा 2 में पूरे प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया था, उन्होंने बताया कि रचौली में कार्यक्रम रखा था जिसमें कन्याओं को आगे बढ़ने व प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि कन्याओं को सही दिशा और प्रोत्साहित किया जाता है तो वे और आगे जा सकती है। कश्यप है, मैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड की आर्ट स्ट्रीम की टॉपर हूँ। तो आज यहाँ रचौली पंचायत में जो CDPO जो ये CDPO ऑफिस के द्वारा जो है एक मतलब इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है कल, तो उसके अवसर पर आज एक छोटा सा फंक्शन रखा था। तो उसमें हमें भी बुलाया था, हमें भी ऑनर किया गया SDM सर के द्वारा। तो जैसा कि कल इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, तो स्पेशली जो है लड़कियों को जो है हर क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया करना था आज का मुख्य जो मोटो था वो, हर क्योंकि लड़कियां हर क्षेत्र में वैसे भी आगे ही हैं आज की डेट में, तो उन्हें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन्हें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए, चाहे उनके अभिभावकों के द्वारा है, सरकार के द्वारा है, तो मतलब उन्हें आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो हमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी आगे और ज़्यादा कोशिश करूँगी और ऊँचे स्तर पर जाऊँ और अपने माता पिता, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन करूँ। धन्यवाद। CDPO अजय बद्रेल ने बताया कि रचौली में एक दिवसीय शिविर आयोजन किया गया। इसके आयोजन का मकसद बालिकाओं की भागीदारी समाज में बढ़े, बेटा और बेटी दोनों को बिना भेदभाव के समान अवसर दें, इस बारे लोगों को सजग किया गया। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के उपलक्ष पर ग्राम पंचायत रचौली के सभागार में एक दिवसीय जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें उपमंडल अधिकारी रामपुर श्री सुरेंद्र मोहन जी जो है मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की भागीदारी समाज में बढ़े और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको एक समान जो है वो दर्जा दिया जाए। और आज का जो इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है, इसका मोटो ही है माय वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, तो लड़के और लड़कियों का एक समान भविष्य हो, दोनों को जो है एक समान अवसर जो है प्रदान किए जाए और